हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी के सौरभ लेक्चर्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप एक्सरसाइज 8.2 को जब ही सॉल्व कर सकते हैं जबकि आप लोगों को ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। हम याद तो करेंगे नहीं, हम तो इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आपको साइन के जितने भी मान होते हैं वो आपको याद करने होंगे। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है 3/√2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। हम इसी टेबल को पलट देंगे तो हमारे कॉस के मान आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी के मैं आपको बता दूंगा ट्रिक के माध्यम से। तो हम साइन की वैल्यू पलट देते हैं, 0, 1/2, 1/√2, 3/2, 1। तो हमारे कॉस के सारे मान मिल जाएंगे हमको, और बाकी के हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ट्रिक क्या है हमारी? हमारी ट्रिक यह है, जो हमें टेन की वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे? हम टेन को तोड़ देंगे, टेन को हम तोड़ देंगे साइन और कॉस में। तो जो टेन ए के बराबर जो सूत्र होता है अपना, वो कितना होता है? साइन ए वटे कॉस ए। ठीक है दोस्तों, साइन ए वटे कॉस ए। तो साइन के एंगल में क्या है? ए। कॉस के एंगल में भी ए है, टेन के एंगल में भी ए है। अब हम एंगल में कितना रख देंगे? 0 डिग्री, क्योंकि हमें टेन 0 डिग्री का मान चाहिए। तो हम यहाँ पर रख देते हैं टेन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री वटे कॉस 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी, 0/1। तो ऊपर 0 तो नीचे कुछ भी संख्या हो, हमारा फाइनल रिजल्ट जो आता है वो 0 आता है। तो हमारा जो फाइनल आ जाएगा यहाँ से निकल करके 0 आ जाएगा। तो हमारी टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आई? 0। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से निकालेंगे हम, बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें निकालना है दोस्तों टेन 30 की वैल्यू, टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो दोस्तों, हमें याद तो है नहीं टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो हम इसे तोड़ देंगे, साइन 30 डिग्री वटा कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो हम इसी तरीके से तोड़ देते हैं। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है अपनी? 1/2, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है अपनी? 3/2। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, कुछ नहीं करेंगे हम। तो दोस्तों देखो, 2 से 2 कट जाएगा अपना, 2 से 2 अपना कट जाएगा। तो अपना फाइनल यहाँ से कितना बचेगा? 1/√3। तो जो टेन 30 डिग्री की वैल्यू आई वो आई अपनी 1/√3। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप दिमाग ही दिमाग में निकाल दोगे सारी वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं टेन 45 डिग्री की वैल्यू। तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन 45 डिग्री, साइन 45 कितना? 1/√2, और कॉस 45 भी 1/√2 है। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा अपना, तो कितना बचेगा? 1/1। यानी कि हम 1 से जब 1 को भाग देंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो 10 जो 45 की वैल्यू हो गई अपनी कितनी हो गई? 1। तो अब हम निकाल लेते हैं 10 60 डिग्री की वैल्यू। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन 60/cos 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है? 3/2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना क्या बचेगा? 3/1। तो जब हम 1 से भाग देंगे 3 को, तो अपना फाइनल कितना आ जाएगा? 3 ही तो आएगा। जब हम 1 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, 1 से भाग देने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी संख्या पर। तो अब हम निकाल लेते हैं 10 90 की वैल्यू। तो 10 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 90/cos 90। तो 1/0। जब हम 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो क्या आता है? इन्फिनाइट। तो 10 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी? इन्फिनाइट। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू। तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे?
सूत्र से निकाल लेते हैं। सूत्र क्या होता है अपना, यानी कि जो कॉस होता है वो अपना साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो हमें निकालनी है कॉस एक्स 0 डिग्री की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1/sin 0 डिग्री। तो 1 sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपनी, 0। तो मैंने आपको बताया था जब हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफिनाइट, अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी कॉस एक्स 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 0, इनफिनाइट आ जाएगी अपनी। तो कॉस एक्स 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, तो ये साइन का उल्टा होता है कॉस एक्स, तो साइन में क्या अपना साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो इसमें क्या हो जाएगी 2/1। जब हम 1 से 2 को भाग देंगे तो अपना फाइनल कितना आ जाएगा, 2। तो हमारी जो कॉस एक्स 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 2। आप लोग प्रैक्टिस करोगे एक एक वैल्यू को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों, इससे अच्छी ट्रिक है ही नहीं। तो अब हम निकालते हैं कॉस एक्स 45 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस एक्स 45 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2। तो कॉस एक्स 45 डिग्री की वैल्यू कितनी जाएगी, 2, यानी कि हम पलट देंगे। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 3/√2। तो कॉस एक्स 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। ठीक है, और अब निकाल लेते हैं हम कॉस एक्स 90 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। तो हम सूत्र से देख लेते हैं कॉस एक्स 90 बराबर कितना हो जाएगा अपना, 1/sin 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1। ठीक है दोस्तों, साइन 90 की वैल्यू है हमारी 1। तो हम वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं उठा करके, तो कितना हो जाएगा अपना कॉस एक्स 90 बराबर 1/ में साइन 90 की वैल्यू कितनी है अपनी, 1। तो नीचे भी हमारा आ जाएगा 1। तो जब हम 1 से 1 को भाग कराएंगे तो अपना फाइनल 1 ही आ जाएगा। तो कॉस एक्स 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 1। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब हम सेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। जितनी हमारी सेक की वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, सारी निकालेंगे। तो ये कॉस का उल्टा होता है सेक, आपको मैं बता दूँ। ठीक है दोस्तों, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है अपनी, 1। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू अपनी आएगी 1, जैसे हमने कॉस एक्स 90 डिग्री की वैल्यू निकाली थी उसी तरीके से हम इसको कर लेंगे, सेक 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1। तो अब हम निकालते हैं सेक 30 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 3/2। तो ये इसका उल्टा होता है, तो इसमें हो जाएगा 2/√3। ठीक है दोस्तों, अब निकाल लेते हैं हम सेक 45 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो इसमें उल्टा होता है, तो 2/1 हो जाएगा, तो 1 से हम भाग कराएंगे तो 2 ही आ जाएगा। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है दोस्तों, इसे हम पलट देंगे तो आ जाएगी हमारी सेक 60 की वैल्यू 2। हम सेक 90 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम सेक 90 की वैल्यू कैसा निकालेंगे देखते हैं, इधर साइड में निकाल लेते हैं। तो सेक 90 बराबर कितना हो जाएगा अपना, कॉस का उल्टा होता है ये, तो 1/cos 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0। तो 1/0। तो जब नीचे 0 आ जाता है, जब हम 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफिनाइट, अपरिभाषित। तो सेक 90 की वैल्यू आ गई हमारी इनफिनाइट, यानी कि अपरिभाषित। अब हम कॉट 0 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अब हम कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कैसा निकालेंगे, उसके लिए हमें ये सूत्र यूज करना पड़ेगा, कॉट ए बराबर कॉस ए वटे साइन ए। ठीक है दोस्तों, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें, तो कॉट 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री वटे साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पर हम 1 रख देते हैं, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0। तो नीचे 0 आ गया,
और जब हम जीरो से भाग देंगे किसी भी संख्या को तो क्या आएगा, इन्फिनाइट, यानी कि हमारी कॉट 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, इन्फिनाइट। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं कॉट 30 डिग्री की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कितना है, √3/2 बटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2। ठीक है दोस्तों, 200 तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपना क्या बचेगा, √3/1। जब हम 1 से भाग कराएंगे √3 को तो अपना फाइनल आ जाएगा √3, तो अपनी कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आ गई √3। आगे सॉल्व कर लेते हैं हम इसी तरीके से, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 45 डिग्री वटे साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री कितना है, 1/√2, और फिर उसके नीचे आ जाएगा टेन 45 डिग्री, यानी कि 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना 1 बच जाएगा, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1। इसी तरीके से हम कॉट 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 वटे में √3/2, तो 200 तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपना फाइनल बच जाएगा 1/√3, तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है हमारी 1/√3। ठीक है दोस्तों, आगे सॉल्व करते हैं, एक ही वैल्यू बची है हमारी कॉट 90 डिग्री की, तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस 90 वटे साइन 90, तो कॉस 90 कितना है, 0, उसके नीचे कितना आएगा, 1। जब हमारा ऊपर 0 आ गया तो नीचे हमारी कोई भी संख्या हो तो पूरी संख्या 0 हो जाती है, तो इसी तरीके से हमारी कॉट 90 की वैल्यू आ चुकी है हमारी 0। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।